साढ़े 5 बजे का टाइम सी, कुछ अफसर आए, DIG रैंक के अफसर, जो अंदर बैठे आवाज़ मारी, मैं अंदर चला गया, मैनू खड़ाया। बहुत ही लंबे जे कद का अफसर से, उन्हें तलियां नाल मेरे कन्नां दे उत्ते जोरदार चपेड़ां वांग मारिया। मैं फिर भी मैं पूछी गया, मैनू दस दिओ मैनू किहड़े केस च लैके आए। एक कुर्सी ते बालिया, कहिंदे वी इहदे कपड़े उतारो, इह ऐ नहीं मनदा। एक फोन की तरह उन्हां कोल सी, उन्होंने जोरदार करंट लाया। 15 मिनट तो बाद मेरे तो झल्या नहीं गया, मेरे मूँह चो झग आ गई, जो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया। करंट गुप्त अंगां ते भी लाउंदे सी ते जीभ ते भी लाउंदे सी। उत्थों मैं उन्हां नूं मिलिया नहीं, मेरे जीजा जी ते मेरे भांजा जी उन्हां नूं पहलां चक लिआंदा गया। उस तो बाद मैनू जदों मैं आया, मैनू इधरों गड्डी, मेरे रिश्तेदार गए, मैं भी आ गया। मेरे आउण तक मेरे सारे जो रिश्तेदार सी उह थाने दे विच इकट्ठे कीते होए सी, जो कि मेरा सहुरा परिवार सी, मेरे बच्चे सी। मैं आके पुछया, जी गल दसो भी इन्हां नूं कातों पाया होया। उह कहिंदे भी कोई गल नहीं, तैनूं उत्थे जगरामी अफसरां कोले मिला के लैके आउणा। जदों उस टाइम तो 9 बज चुके सी, रात दे 9 बज चुके सी, मैनू जदों गड्डी 'च बहाया, मेरे परिवार नूं छड्ड दित्ता। मेरे परिवार फिर इन्हां ने जाके ग्रीन ढाबे ते रोटी खाधी, रोटी खा के सानूं उत्थे 10:30 बज गए। हौली हौली गए, मैनू इन्हां ने जगरामी, मैनू नहीं पता सी वी उह जगरामी ठाम है। जदों गए उह गेट ते लिजा के, 1:30 दा टाइम सी, मैनू अंदर वाड़ता ते आप वापस चले आए। जदों मैं गया ते मैनू एक अंदर बैरक दे विच बहा दित्ता गया। उस विच मैं 2 बंदे जिन्हां नूं पहलां मैं जानदा नहीं सी, जिन्हां दा नां सी भोला ते शक्ति, उन्हां नूं मैं देखिया, उह बड़े, उन्हां दा बुरा हाल सी, बड़े डरे डरे हुए सी ते उन्हां दी हालत बहुत ख़राब सी। मैं उन्हां नूं बुलाउण दी कोशिश कीती, उन्होंने मेरे नाल गल नहीं की, कहिंदे साडे नाल गल ना कर, तू पासे हो के बह जा। वह इन्ना ही डरे हुए सी, मैं भी बह गया। आसे पासे उन्होंने पुलिस मुलाजम खड़े सी, नेड़े सारे 3-4 मुलाजम लाए हुए सी। उस तो बाद ये मेरे पासे बैठे रहे, सारी रात मेरी आई लंघ गई। 5:30 बजे का टाइम सी, कुछ अफसर आए, DIG रैंक के अफसर, जो अंदर बैठे आवाज़ मारी भी राजू दोधी कौन है, जो मेरा शॉर्ट नाम है, उन्होंने अंदर लैके आओ। मैं अंदर चला गया, मैनू खड़ाया, मैनू पहला बड़े प्यार ना बुलाया, कहिंदे हाँ बेटा। मैं कहा, सर जी दसो मैनू किहड़े केस दे विच लैके आए हो। सामने कुर्सी ते होर अफसर भी खड़े सी, जिन्हां दे मैनू नाम नहीं पता जी। मैं पुछया, हाँ जी सर जी मैनू किहड़े केस च लैके आए हैं। एक बहुत ही लंबे जे कद दा अफसर सी, उन्हें तलियां नाल मेरे कन्नां दे उत्ते जोरदार चपेड़ां वांग मारिया ते मैनू इंज लगा वी जिहड़ा मेरा सारा सिस्टम ही हिल गया हुंदा। मैं कहा, जी जनाब मैनू ऐं तां दस दिओ मैनू किहड़े केस च लैके आए हैं। 5-6 बार इस तरह कीता, मैं फिर भी मैं पुछी गया, मैनू दस दिओ मैनू किहड़े केस च लैके आए हैं। फिर उन्होंने मैनू एक कुर्सी ते बालिया, कहिंदे वी इहदे कपड़े उतारो, इह ऐ नहीं मनदा। जदों कपड़े मेरे उतारे कुर्सी ते बहा के, मगर डांग हत्थां दे विच पाती, एक फोन की तरह उन्होंने कोल सी, उन्होंने जोरदार करंट लाया। वह करंट मैं 10-15 मिनट झल्लिया, 15 मिनट तो बाद मेरे तो झल्या नहीं गया, मेरे मूँह चो झग आ गई, जो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया। करंट किवें, किस तरह करंट गुप्त अंगां ते भी लाउंदे सी ते जीभ ते भी लाउंदे सी। अच्छा, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ